गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने 9 दोषियों को सजा सुना दी है। पटना से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पटना के सीरियल ब्लास्ट केस में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। 2 को उम्र कैद की सजा और 2 दोषियों को 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। 1 दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि कोर्ट ने 27 अक्टूबर को मामले में 9 आरोपियों को अलग अलग धाराओं से दोषी करार दे दिया था। कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने सजा सुनाते हुए कहा कि कोर्ट ने पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट केस में दोषी अहमद हुसैन फिरोज असलम को 10-10 साल की सजा सुनाई है, 7 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नुमान अंसारी और मिजीबुला अंसारी को फांसी की सजा सुना दी गई है। वहीं उमर सिद्दीकी और अजरुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सीरियल बम ब्लास्ट में 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था। इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई थी जबकि लगभग 90 लोग घायल हो गए थे। 8 साल के बाद इस मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है और 4 लोगों को फांसी का सजा सुना दिया गया है। मुख्य 6 आरोपियों को देशद्रोह भी कहा गया था। आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास करने, इन तमाम धाराओं पर इनको दोषी करार दिया गया था और आज इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि इनमें से 4 लोगों को फांसी की सजा सुना दी गई है। आपको बता दें कि 1 आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था और कुल 6 लोगों को आरोपी करार दिया गया था।